अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां पूरे देश में बिरसा मुंडा की 147वीं जयंती का कार्यक्रम संपन्न हुआ। रीवा जिले के मुख्यालय से लगे वार्ड निपनिया में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बिरसा मुंडा की 147वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान बिरसा मुंडा को भगवान क्यों कहा जाता है, इस संबंध में भी आयोजकों के द्वारा जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि किस तरह से बिरसा मुंडा ने गरीबों के उत्थान और देश के लिए काम किया। आइए दिखाते कार्यक्रम का आयोजन और सुनाते हैं बिरसा मुंडा के संबंध में क्या जानकारी दी गई। साथ काम कर चुके, जब मैं जिला अध्यक्ष था तो आप यहाँ विधानसभा का अध्यक्ष का दायित्व संभाले। हमारे छोटे भाई आदरणीय दिनेश साकेत जी, के सचिव आदरणीय ब्रजेश तिवारी जी, साथ ही आपके रीवा नगर निगम से महापौर के चुनाव मैदान में उतरे हुए बहुत ही संघर्षशील, शिक्षित, अमृतभाषी प्रत्याशी रहे हमारे बचपन के मित्र भी हैं आदरणीय जेपी कुशवाहा जी। मनाजरी क्या कहते हैं, आज भगवान बिरसा मुंडा की 147वीं जयंती मनाई जा रही है। आज निपनिया वार्ड क्रमांक 1 में रविदास मंदिर इस प्रांगण में हम लोग और यहाँ के आदिवासी और दलित समाज है वो सब यहाँ और आज बिरसा मुंडा के बारे में हम बताया जाता है कि भाई वो भगवान क्यों है और उन्होंने इस दलित आदिवासी समाज के लिए जो लड़ाई लड़ी और अपने जीवन का तो जागृति अभियान हम लोग शुरू किए हैं और पखवाड़ा जयंती हमारे हम लोग की चल रही है। ये 30 नवंबर, क्या नाम है आपका? जेपी कुशवाहा। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत, राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।